कितनी उम्मीदें थी यार हमें Realme 10 Pro से, लेकिन IPS LCD डिस्प्ले देखे ना, इन्होंने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे पोको X5 5G स्मार्टफोन को Realme 10 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि पोको के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना पोको फोन की एकदम बढ़िया है, क्योंकि हमें AMOLED पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन जरा Realme को देखना, सिर्फ IPS LCD दिया है भाई, भर के ना कंजूसी करी है इन्होंने डिस्प्ले के मामले में, इन्हें भी ना AMOLED पैनल तो देना ही चाहिए था। AMOLED कभी नहीं देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो पोको का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर Realme का फोन ही विनर है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉइड 13 मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन यार इस मामले में यहाँ पर भाई पोको ने कंजूसी करी है, क्योंकि फोन अभी लॉन्च हुआ है, इसे भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 तो देना चाहिए था, लेकिन ना जी ना, कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने भर के। चिपसेट की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, और यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स का एंट्रोड स्कोर भी 405,000 के करीब करीब आ जाता है जो कि एक अच्छा स्कोर है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, और यहां पर दोनों स्मार्टफोन LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की, तो यहां पर पोको के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे पोको की, तो इस फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, पोर्ट्रेट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों मेन कैमरा तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स का बढ़िया है, लेकिन रियलमी ने जो सिर्फ 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट देके मजाक किया ना यार, गलत किया इन्होंने, एटलीस्ट इन्हें भी ना भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा तो देना ही चाहिए था। यानी कि दोस्तों अगर आपकी मेन प्रायोरिटी यहां पर अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है ना भाई, तब भी आप यहां पर पोको की तरफ ही जरूर से जाइए। और बात करें अगर हम फ्रंट कैमरा की, तो पोको के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, यानी कि एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों 3.5 mm जैक भी हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। और बात करें अगर हम स्पीकर्स की, तो यहाँ पर पोको का फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि पोको X5 फोन के 6+128GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 18,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 19,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहां पर पोको की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि यार ये फोन बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसमें आपको बढ़िया कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से डिस्प्ले मिल रही है, बैक कैमरा सेटअप भी एकदम बढ़िया वाला मिल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर वैल्यू फॉर मनी डील तो भाई पोको का फोन ही बन के आ रहा है। रियलमी ने यार IPS LCD डिस्प्ले दे दी यार, मजाक कर दिया उन्होंने इस बार अपने इस फोन के साथ। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खत्म।